हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मॉम इन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप यू आर डूइंग वेल। खजूर के गुड़ की या पाम जेगरी की रेसिपी लाई हूँ। सेवई की खीर बनाई है जो बहुत ही टेस्टी है, साथ ही में मैंने मखाने भी मिलाए हैं। तो इस तरह मखाने और सेवई की ये रेसिपी है। सबसे पहले मैंने पैन को रख दिया है गैस पर और अब मैं मखाने और बादाम, बड़े वाले बादाम को मैं सूखा ही भून लूँगी। आप तो जानते ही हैं फ्रेंड्स कि मखाने जो है सो सुपर फूड है, वो बहुत उनसे कैल्शियम बहुत ही बढ़ती है और बहुत ही वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए मैंने मखानों को सेवइयों में मिक्स किया है। और चूंकि ये खजूर गुड़ है, खजूर गुड़ तो वैसे ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और साथ ही मैंने ऑर्गेनिक वाला लिया है। अगर हो सके तो आप ऑर्गेनिक ही लीजिए। और इसे हमें सूखा ही रोस्ट कर लेना है, और रोस्ट करने के बाद मैं इसे हम आम दस्ते में कोर्सली तोड़ लूँगी। हमें इसे क्रश बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही पाउडर जैसे हो जाएंगे और बिल्कुल इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो सेवइयों के लिए मैंने साइड में दूध भी रख दिया है बॉयल होने के लिए। मैंने 1 लीटर दूध डाला था और गाढ़े होकर लगभग वो आधे बचे हैं। और साथ ही मैं इधर इन सभी चीज़ों को भी भून रही हूँ। जब ये भून जाएंगे तो मैं इसे कूट लूँगी। और अब हमारे मखाने और बादाम हो गए हैं, मैंने उन्हें निकाल लिया है। और साथ में मैंने फिर से पैन रखा है, अब मैं सेवइयों को भूनूंगी। अब मैंने पैन को फिर से रख के 1 टीस्पून इसमें मैंने घी डाला है। वैसे मेरी सेवइयाँ भुनी हुई थी, लेकिन फिर से मैं इन्हें थोड़ा सा फ्रेश करूंगी और इसमें मैंने घी का फ्लेवर दिया है तो बहुत ही अच्छा लगेगा पाम जेगरी के साथ, खजूर के गुड़ के साथ। ये पूरे बंगाल में मशहूर है। बंगाल में आप सर्दियों में जब भी जाएँ तो आपको खजूर के गुड़ की खीर और सेवइयाँ अवश्य मिलती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बहुत ही इसके रसगुल्ले भी बहुत मशहूर हैं बंगाल के। दोस्तों प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा और साथ में बेल भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल दबाने से मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए उधर मेरे दूध जो गाढ़े हो रहे हैं, उसमें मैंने मखाने और आलमंड्स को, जिसे मैंने हल्का दरदरा कूट लिया था, उसमें मिला दिया, जिसमें कि वो थोड़े पक जाएँ। मखाने तो पकने में मिनटों में पक जाते हैं। और इधर हमारी सेवइयाँ भी लगभग भून चुकी हैं। इन्हें हमें हल्का बादामी करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैंने रेडिश नहीं करना है। एक बार आप लोग खजूर गुड़ के सेवई को ज़रूर बनाइए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा है गुड़, प्लस इसकी जो स्मेल है इतनी अच्छी लगती है, एकदम फ्रेश और बहुत ही टेस्टी। बंगाल की मशहूर सेवइयों को, खजूर गुड़ के सेवइयों और खीर को आप लोग अवश्य बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अब मैंने सेवइयों को डाल दिया है दूध में और इसे थोड़ी देर के लिए मैं बॉयल होने दूंगी, जब तक कि मेरी सेवइयाँ पकती हैं। पक जाने के बाद मैं ऊपर नीचे से हीट को बंद कर दूंगी, फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं इसमें खजूर गुड़ मिलाऊँगी। लगभग 5 से 7 मिनट हो गए थे, पतली वाली सेवइयाँ इसलिए पूरी तरह से घुल मिल गई हैं और आमंड्स और मखाने भी अच्छी तरह से मिल गए हैं। और अब मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच भर करके जेगरी गुड़, पाम जेगरी को मिलाया है। साथ में मैंने नीचे से फ्लेम बंद कर दिया था। आप पाम जेगरी या जो भी चीज़ मिलाएं तो नीचे से फ्लेम को बंद कर दें, नहीं तो दूध के फटने का डर रहता है। तो मैंने नीचे से फ्लेम को बंद कर दिया था और अब इसे अच्छी तरह से मैं मिलाऊँगी। और ठंडा करने के बाद, थोड़ी देर ठंडा करने के बाद मैं इसे सर्व करूँगी एक बाउल में। साथ ही मैंने इसे एक आलमंड से गार्निश किया है, तो हमारे मज़ेदार। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पाम जेगरी की सेवइयों को प्रेजेंट कर दिया है। पाम जेगरी के सेवई को ज़रूर बनाइए, इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल है ये। उम्मीद है दोस्तों इंडियन मॉम इन किचन की आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इंडियन मॉम इन किचन को लाइक और शेयर करें, साथ ही मुझे आज्ञा दें। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।